गुड मॉर्निंग है 31 मई 2023, आज है वेनसडे और हम हैं आज बाघ डोगरा में रुके हुए थे। इधर कहीं पर आसपास ही एयरपोर्ट है और ये जो है अपना पीछे नेशनल हाईवे 27 है। तो बेसिकली अभी हम लोगों का ये प्रॉपर्टी था, छोटी सी जगह थी, एसी ने ढंग से रात में काम नहीं किया है, तो नींद तो ठीक है, हो गई अच्छे से, हमने कर ली कैसे भी करके, बट सफ़र आज बहुत बड़ा सफ़र होने वाला है, अंग्रेजी वाला। लेकिन अभी तो क्या है कि ये तो राइड का पार्ट है कि अगर आप कहीं गए हो तो आपको लौट के आना पड़ेगा। सो विद दिस और आपकी दुआओं के साथ हम अपने सफ़र को करने को हैं तैयार, चालू करने को हैं तैयार। यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बाइक्स और हम जा रहे हैं, आज डेस्टिनेशन कुछ पता नहीं है, बस यहाँ से निकल के फिर देखेंगे रात में 6-7 बजे तक अगर कुछ अच्छा होटल मिल जाएगा रास्ते में तो वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी चालू करेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ से पूर्णिया 70 और मुजफ्फरपुर 346 है। तो अभी हमने यहाँ पे किशनगंज में एक छोटा सा ब्रेक लिया, चाय और बिस्किट का ब्रेक था ये, तो क्योंकि भूख लग रही थी तो मैंने कहा ग्लूकोज तो बॉडी में जाना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज ही है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ, और बॉडी को बिना मेहनत किए अगर ग्लूकोज मिल जाता है तो बॉडी ज़्यादा चार्ज हो जाती है। आप अगर कुछ खाओगे फिर बॉडी उसको ब्रेक करेगी, मेहनत करेगी, तो वो आधी एनर्जी तो वहीं चली जाती है। सो बस इतना सही अपडेट था। और अभी हम लोग आ गए हैं सिलीगुड़ी से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स, एंड ये हमने कवर किया है कुछ 1.5 घंटे के अंदर। 6:45 पे चले थे, 8, अरे भाई साहब ये तो रिवर्स ले लिया अचानक से, अरे ये पीछे ट्रैक्टर वाला, नहीं गूगल मैप तो सेट ही नहीं किया बनना। सो अभी बज रहा है 8:25, टेम्परेचर इसमें दिखा रहा है 41, और बाकी तो सब ठीक है, गाड़ी चल रही है मज़ेदार। आगे हमें चेन लूप करवाना है और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, देखते हैं। मुजफ्फरपुर 346 है तो मुझे लगता है 1-2 बजे तक मुजफ्फरपुर पहुँच जाएँगे, फिर वहाँ से आगे और चलते चले आएंगे, देखेंगे आज का स्टॉपेज कहाँ पर होता है। कुछ भी फिक्स नहीं चल रहा है अभी, अब यहाँ पे फिक्स करना बनता भी नहीं है क्योंकि मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता। मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। ओके, तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पूर्णिया से, हमने एक टर्न लिया है राइट की तरफ और टाइम हो रहा है 9:42, 43 टेम्परेचर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट हमने अभी कवर किए हैं 150 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी और यहाँ से अररिया पड़ेगा कुछ 38 किलोमीटर्स। तो बेसिकली अभी ये है कि ये रूट थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन वर्थ है, क्योंकि आप वो जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है ना शॉर्ट रूट पे, वो सही हो जाएगा, 2 साल लगेंगे उसको बनने में, 2 साल बाद एकदम चकाचक हो जाएगा और तब नॉर्थ ईस्ट करना बड़ा आसान होगा। तो बस इतना ही अपडेट देना था। अभी आगे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी सोच रहे हैं अररिया के बाद ही रुकेंगे क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है अब तो। सो वी नीड अ फ्यूल ब्रेक इन द सेंस कि हमें पानी का ब्रेक चाहिए। तो देखते हैं आगे कुछ रुकते हैं तो बताते हैं, क्योंकि अभी हमने फ्यूल ब्रेक लिया था थोड़ी देर पहले इसलिए, एंड वी आर गुड टू गो बिकॉज हाईवे इज़ माई वे। क्विक अपडेट ये है कि अररिया डिस्ट्रिक्ट के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए पराठा विद माजा, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब स्पॉन्सर्ड बाय तुषार खेर, बट बाद में हिसाब मांग लिया जाएगा। तो अभी अररिया में हम लोग बैठ के यहाँ पर आई थिंक 11 बज रहे और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर पराठे का नाश्ता, इसको खाने के बाद अभी बहुत लंबा जाना है, फिर मुजफ्फरपुर के आसपास देखेंगे कुछ खाने का जुगाड़ और बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं आपसे रोड पर। गाड़ी पर टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और 2 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर रुके थे एक चाय और पानी ब्रेक के लिए। यह टोल नाका मुजफ्फरपुर से कुछ समझ लो कि 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पहले, और आज का टारगेट सेट किया तो है
लेकिन अब देखते हैं क्या करना है, कितने दूर चलना है। तो चलिए पहले इस सफ़र को यहाँ से तो स्टार्ट करें और मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। यहाँ पर मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे, मैं गोपालगंज में रुका हुआ हूँ। ये बच्चे हैं, ये बोल रहा था कि अगर मैं बिच जाऊंगा तो ये गाड़ी मुझे मिल जाएगी क्या। मैंने बोला बेटा पढ़ाई कर ले, अगर तू पढ़ाई कर लेगा तो तेरे को गाड़ी मिल जाएगी। मैंने भी पढ़ाई बहुत सारी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इतनी पढ़ाई की कि मेरे पास पैसा आया, मैंने पैसा कमाया और उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी और अब मैं घूम रहा हूँ। तो अगर तू पढ़ाई करेगा, सब लोग पढ़ाई करोगे तो फिर तुम लोग खूब सारा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बोलो सब लोग पढ़ाई करोगे? ठीक है, सामने गाड़ी लगाया। और फाइनली यहाँ पर बिहार ख़त्म और यूपी चालू, क्योंकि ये है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। शाम के 7 बज रहे हैं, टेम्परेचर 42 दिखा रहा है। सिलीगुड़ी से हम ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर आ चुके हैं और बीच में हम बस एक थोड़ा सा स्टॉप ले लिए क्योंकि तुषार को था कि एक बार दिखवा ले अपना स्पीडोमीटर। हालांकि उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं, बट ठीक है, दिमाग में क्या है ना, अपने कीड़ा रहना ही चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप उसको दूर कर लो ताकि आगे का सफ़र ठीक रहे। अब मालूम है कि वो आराम से आके वहाँ पे करवा लेगा, ठीक, कोई इशू नहीं है उसमें। सो वी आर डन एंड डस्टेड। अभी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया है, बट ये डिसाइड कर लिया है कि अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे के आसपास खाना खाएंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे 10:30 बजे तक। जो भी होटल मिलेगा उसके बाद उस होटल में जाके अपन लोग पसर जाएंगे। उल्टी तरफ से आते हुए भैया और बस वाले भी उल्टी तरफ खड़े हुए हैं। लखनऊ 367 है, गोरखपुर 127 है, कुशीनगर 65 है। तो कुशीनगर तो नहीं रुकेंगे यार, कुशीनगर तो पास ही में है। कुशीनगर में हो सकता है कि डिनर कर लें। गोरखपुर सोच सकते हैं या अयोध्या भी सोच सकते हैं। लखनऊ तो बहुत दूर पड़ जाएगा, लखनऊ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बस अब देखते हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा।